मैं ज्ञान हूं, परिश्रमियों के जीवन को सुमधुर कर देने वाला अमृत पान हूं, मैं ज्ञान हूं। श्री नारायण संसार को महाप्रलय का संकेत देते हैं। देवताओं को सावधान करते सप्तऋषि श्री नारायण की मनमोहन छवि के दर्शन प्राप्त करते हैं। अधर्म राज के कटु वचनों से आहत इंद्रादि देवता प्रलयंकर शिव के क्रोध से भयभीत हो जाते हैं। अधर्म की प्रेरणा पर संयुक्त दैत्य शक्ति का प्रतिरूप हयग्रीव प्रकट होकर ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करके उन्हें पाताल गुफा में बंदी बना लेता है। दूसरी ओर महाराज सत्यव्रत आज समय को भी गति प्रदान करने वाले भगवान नारायण की मोहक मूर्ति को निहार रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान के सामने प्रकट क्यों नहीं करते? महारानी, सच्चिदानंद श्री नारायण तो घट घट के वासी हैं, कण कण में विराजमान हैं। प्रभु से भला किसी के मन की बात छुपी रह सकती है क्या? अर्थात जानने पर भी भक्तवत्सल भगवान हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात का तो दुख है महारानी। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी भक्ति में कहीं कोई खोट है। ऐसा ना कहें स्वामी, आपकी भक्ति के सुगंध से तो समस्त पृथ्वी लोग सुगंधित हैं। महारानी सौदामिनी, सुगंध और समर्पण में अंतर होता है। सुगंध प्रदर्शन और प्रचार पर आधारित है, जबकि समर्पण में स्वयं को समर्पित करने के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता। धैर्य धारण करें स्वामी, प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। महारानी सौदामिनी, प्रभु दर्शन की आतुरता को धैर्य के बंधन से रोक पाना असंभव है। प्रभु की इच्छा होने तक हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज सत्यव्रत, मैं आकाश में निवास करने वाले सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगिरा हूं। इस समय आपके समीप महाप्रभु श्री नारायण की कृपा से एक संदेश लेकर प्रकट हुआ हूं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमें आभास है ऋषिवर कि भक्तवत्सल भगवान तक हमारी मौन प्रार्थना के स्वर अवश्य पहुंच रहे होंगे। कहें ऋषिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है महाप्रभु की? महाप्रभु नारायण की कृपा से आप जानते होंगे महाराज कि इस मनवंतर का अंत समीप है। महाप्रलय अब दूर नहीं, यह सृष्टि प्रलयंकर भगवान शिव शंकर हरी तांडव नृत्य के साथ ही अथाह सागर में समा जाएगी। संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। आप चिंता ना करें महाराज, महाप्रलय से पहले प्रभु आपकी मनोकामना
अवश्य पूरी करेंगे। हे ऋषिवर, मेरी तो सच्चिदानंद भगवान नारायण के साक्षात दर्शनों की मनोकामना है। क्या वे दर्शन देकर मुझे भगवान की लीला पर संदेह ना करें महाराज? उनकी हर लीला में संसार के कल्याण का ही रहस्य छुपा रहता है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। प्रभु इच्छा से मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि महाप्रलय के बाद भी आप उनकी कृपा से जीवित रहेंगे। जब ये सारा संसार महाप्रलय से नष्ट हो जाएगा, तब भी आप अपनी भक्ति की शक्ति से नव सृष्टि में प्रवेश करके प्रथम मनु का पद प्राप्त करेंगे। ऋषिवर, मुझ जैसे साधारण? आप साधारण नहीं महाराज, असाधारण है। भक्ति की शक्ति से आपने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। किंतु किंतु क्या ऋषिवर? महाराज सत्यव्रत, प्रभु इच्छा की पूर्ति और सच्चिदानंद के परम पावन दर्शन पाने के लिए आप समुद्र तट पर जाकर उनकी आराधना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपका कल्याण हो। आए हुए की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप मेरा त्याग ना करें महाराज, मेरी रक्षा करें महाराज। तुम कैसी विचित्र मछली हो जो मानव स्वर में बोल रही है। राजन, इस देह की आत्मा पवित्र है, मेरा त्याग ना करें महाराज। अपने साथ महल ले जाकर किसी छोटे से पात्र में रख दें, अन्यथा ये बड़ी मछलियां मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। तुम ये कैसे जान गई मछली कि मैं एक राजा हूँ और अपने महल में ले जाकर तुम्हें एक पात्र में सुरक्षित रख सकता हूँ? मैंने कहा था ना महाराज, मेरी पवित्र आत्मा आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही मेरे संरक्षक बन सकते हैं। महाराज दया करें, शीघ्र मुझे यहाँ से ले चलें। शरणागत की रक्षा करना एक भक्त का धर्म और कर्तव्य है, और तुम तो भगवान नारायण की आराधना के समय मेरी अंजलि में आई हो। इस कारण मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा मछली। आओ। आओ महारानी। हे मछली, महारानी सौदामिनी भी तुम्हारा मानव स्वर सुनना चाहती है। कृपया करके अपना मानव स्वर सुनाकर इनकी भी अभिलाषा पूर्ण करें। मेरी जीवन रक्षा करके आपने महान पुण्य लाभ किया है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कोई साधारण मछली नहीं है स्वामी, निश्चित ही ये दिव्य आत्मा हमारी नारायण भक्ति की परीक्षा लेने आई है। कदापि आपका कथन सत्य है महारानी। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण नारायण। माता,
आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि देव देवेश्वर भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान नहीं है। हे माता, कहाँ है महाप्रभु? हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है नारद। नारायण नारायण, होते हुए भी यहाँ उपस्थित नहीं, अर्थात हमारा अवतारी स्वरूप आने वाली महाप्रलय की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कहीं और उपस्थित है नारद। यदि आप ना होते देवर्षि, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि स्वामी अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो सोच रही थी कि वे मुझे बिना बताए कहीं चले गए हैं। यदि आप हमारे अदृश्य रहकर उपस्थित रहने का रहस्य जानती भी होती महादेवी, तब भी आपकी चिंता समाप्त ना होती। नारायण नारायण, कैसी चिंता महाप्रभु? महाप्रलय की महाचिंता नारद। आने वाले महाप्रलय की चिंता इस संसार के प्राणी मात्र को ही नहीं, देवी लक्ष्मी को भी भयभीत और चिंता में डुबो रही है। नारायण नारायण, जिसके रक्षक सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान नारायण हो, उसे चिंतित होने की क्या आवश्यकता है महाप्रभु? नारद, नष्ट हो जाने का भय भला किसे चिंता में नहीं डुबोएगा? क्षमा करें क्षमा निधान, किंतु महाप्रलय के पश्चात शून्य काल ही ऐसा अवसर होता है जब हमें आपकी पूर्ण ज्योति में समा जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इस अवसर की प्रतीक्षा सदा करता हूं। नारायण नारायण। तुम धन्य हो नारद, धन्य है तुम्हारी भक्ति और धन्य है तुम्हारी भावना, किंतु मेरी पूर्णता में समाकर भी तुम उस विध्वंसकारी महाप्रलय की कल्पना नहीं कर सकते। प्रलयंकर शिव के संहारक तांडव नृत्य के प्रारंभ होते ही ये सारी सृष्टि क्षण मात्र में तिनकों के महल की भांति ढह जाएगी। शिव शंकर के प्रलयंकारी प्रहारों के सामने न तो ब्रह्मलोक रहेगा, न स्वर्गलोक, न ये शेष शैया होगी और न ही कैलाश। सृष्टि का कण कण अथाह सागर में समा जाएगा। हम त्रिदेव और त्रिदेवियां भी वर्तमान रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्वामी, आपने तो कहा था। हमारा कथन सत्य की शक्ति है महादेवी, उस पर संदेह ना करें। त्रिदेव और त्रिदेवियों के स्थान पर मात्र हमारी दिव्य प्राण ज्योतियां ही शेष बचेंगी। केवल जल ही जल हर ओर दिखाई देगा, जिसके साक्षी होंगे ज्योति रूप में परिवर्तित हम त्रिदेव और त्रिदेवियां। नारायण नारायण। प्रभु, इस महाविध्वंस की कल्पना से मेरा भी मन भयभीत होने लगा है। प्रभु, विध्वंस तो रचना का आधार है देवऋषि, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपना सब कुछ मुझे समर्पित करके उस महाप्रलय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता,
मुझे इस पात्र से बाहर निकाले महाराज। इस छोटे से पात्र के कारण मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। मुझे बाहर निकाले। इस छोटे से पात्र के कारण मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। मुझे बाहर निकाले। मछली, तुम एकाएक इतनी बड़ी और तुम्हारा स्वर कैसे बदल गया? महारानी सुदामिनी, ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तित होने के लिए ही प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी विकसित होता है। वही विकास उसे अंत की ओर ले जाता है। अर्थात विकास की यात्रा का प्रारंभ जन्म के साथ होता है, किंतु उसका लक्ष्य अथवा अंतिम पड़ाव मृत्यु है। जीवन और मृत्यु का समय सवार कर प्राणी अपना भविष्य सुंदर बना सकता है। तुम तो ज्ञानियों जैसी बात कर रही हो मछली। इतना ज्ञान तुमने कहां से पाया? अब आप मुझे मछली नहीं मत्स्य पुकारे महारानी। क्या मेरे बदले हुए स्वर में पुरुष होने का आभास नहीं हो रहा है? आपने उत्तर नहीं दिया महारानी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है मत्स्य, क्योंकि तुम कोई साधारण मत्स्य नहीं हो। मत्स्य के रूप में कोई परम ज्ञानी दिव्यात्मा हो। यदि मेरी बात पर विश्वास है तो मुझे बाहर निकालें। इस पात्र में मेरे जीवित रहने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। बिना जल के मैं तड़प तड़प कर समाप्त हो जाऊंगा। राजन, जब आपने मुझे आश्रय दिया है, शरण देने का कर्तव्य निभाया है, तो ऐसे घोट घोट कर क्यों मारना चाहते हैं? मैं कुछ संधा नहीं मत से। यदि इस छोटे से पात्र में बिना जल के कारण मेरे प्राणों का अंत हुआ तो मेरी जीवन रक्षा ना कर पाने के कारण आप भी धर्म के विरुद्ध होंगे। मुझे इस पात्र से निकालकर किसी बड़े जलाशय में रख दें। शरणागत की रक्षा करना हर प्राणी का कर्तव्य है, और फिर तुम तो हमारे अतिथि भी हो मत्स्य। अतिथि की हर इच्छा का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। महाराज, अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे मत्स्य अतिथि वे नहीं है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मत्स्य के रूप में अवश्य ही कोई दिव्यात्मा है। दिव्यात्मा मानकर मेरा और अधिक आदर सत्कार जलाशय में रखने के बाद कर लेना। मुझे इस छोटे से पात्र से बाहर निकाले। अवश्य। हे मत्स्य, इस सरोवर में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसके पावन जल में तुम अठखेलियां करो। मैं अपना संध्या पूजन करके अभी वापस आता हूँ। राजन, आओ, किंतु शीघ्र लौट कर आना। अवश्य आओ महारानी। सोच विचार ना करें महाराज, जो कुछ पूछना है पूछ लें। हे दिव्य आत्मा, आपने रूप तो मत्स्य का धारण कर रखा है, किंतु कार्य आप अलौकिक कर रहे हैं। आप कौन हैं? आपके इस मत्स्य रूप ने तो मुझे मोह में डाल दिया है। कृपया बताइए कि आप हैं कौन। आपके प्रश्न का उत्तर मैं महारानी को पहले ही दे चुका हूँ। यह संसार परिवर्तनशील है, फिर आप मुझे देखकर चकित क्यों हो रहे हैं? हे दिव्य आत्मा, परिवर्तन संसार का नियम है, ये परम सत्य है, किंतु आपका परिवर्तन तो आश्चर्यजनक है। एक ही दिन में आपने अपना आकार कई गुना बढ़ा लिया। आप कोई साधारण जीव तो नहीं हो सकते। कृपया आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। मेरे दर्शनों के अभिलाषी है तो अपनी भक्ति भावना जगाएं।
परम भक्त सत्यव्रत। सच्चिदानंद महाप्रभु नारायण साक्षात हे महाप्रभु, आपने अपने इस भक्त पर महान कृपा की है। मेरे दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आपने ये मत्स्य रूप धारण किया। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया महाप्रभु, मैं धन्य हो गया। आपकी महिमा अपरंपार है। परम भक्त सत्यव्रत, मेरी बात ध्यान से सुनो। केवल तुम्हें दर्शन देना ही मेरे मत्स्य अवतार का उद्देश्य नहीं है। मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ। सावधान करने? हाँ सत्यव्रत, अब महाप्रलय अत्यंत समीप आ गया है। कुछ समय पश्चात प्रलयंकर शिव शंकर अपना प्रलयंकारी रौद्र रूप धारण करके तांडव नृत्य प्रारंभ करेंगे। तब ये संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय से नष्ट हो जाएगी। हे महाप्रभु, जब तीनों लोग महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे तो मुझ जैसे साधारण ऋषि अंगिरा की बात का स्मरण करो सत्यव्रत। अपनी भक्ति के कारण तुम साधारण नहीं असाधारण बन गए। तुम्हें साक्षात महाप्रलय का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। मैं अगले कल्प में तुम्हें इस पृथ्वी के प्रथम मनु के रूप में सम्मान दिलवाना चाहता हूँ। मेरे अहो भाग्य प्रभु, मेरे अहो भाग्य पर ऐसी असीम कृपा की। आपकी जय हो नारायण, आपकी जय हो सच्चिदानंद महाप्रभु नारायण की जय हो, जय हो प्रभु। स्वामी, आप किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ मत्स्य के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। महारानी सौदामिनी, भगवान के दर्शन पाने के लिए भक्त का हृदय और भक्ति की दृष्टि होनी आवश्यक है। जो भक्त दीनहीन में छुपे भगवान को नहीं पहचान पाता, भगवान भी उसे अपने दर्शनों से वंचित रखते हैं। महाप्रलय का समय समीप आ रहा है सत्यव्रत। प्रलय काल में जब नब जल थल एक हो जाएंगे, तब आप मेरी कृपा के कारण प्रलय के महासागर में तैरते दिखाई पड़ोगे। उसी समय सप्तऋषि एक दिव्य नौका लेकर आपको ध्वस्त सृष्टि के उस पार नव सृष्टि की ओर ले जाने के लिए आएंगे। महाप्रभु, मेरे संकेत पर पातालवासी वासुकी नाग आपकी सहायता के लिए आएंगे। उस समय मुझ सींगधारी मत्स्य को वासुकी नाग अपनी पूंछ से दिव्य नौका के साथ बांध देंगे और मैं महाप्रलय से तुम्हारी नौका को उबार कर नव सृष्टि तक पहुंचा दूंगा। मैं आपको अपनी परम ब्रह्ममयी महिमा का साक्षात अनुभव करवाऊंगा। मेरी कृपा से दिव्य नौका पर आरूढ़ होते ही आप परम ज्ञानी हो जाएंगे। नारायण की जय हो।
धर्मराज ने कहा था कि वेदों का हरण करने से महाप्रलय काल में मेरी रक्षा होगी। मेरी रक्षा करो वेदों, मेरी रक्षा करो। दुष्ट है ग्रीव, इन वेदों के कारण प्रलय काल में तुम्हारी रक्षा हुई। इन्हें धन्यवाद देते हुए तू यह वेद देव देवेश्वर श्री नारायण को लौटा दे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं वासुकी कि अपने जीवन रक्षा के साधन को स्वयं ही लौटाकर अपनी मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित कर लूं। मूर्ख है ग्रीव, अधिक समय तक तू वेदों को बंदी बनाकर नहीं रख सकता। भगवान श्री नारायण शीघ्र इन्हें पाताल से मुक्त करके
तुम्हारा संहार करेंगे। मेरा संहार नागराज वासुकी, शीघ्र ऊपर आओ नागराज वासुकी। भगवान नारायण का आश्रय हो उन्हें भय कैसा। राजन, आप श्री भगवान के श्री चरणों का स्मरण करें, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। मैं भयभीत नहीं हूँ ऋषिवर, देव देवेश्वर नारायण भगवान तो स्वयं मुझे आदेश देकर गए हैं कि वे मत्स्य रूप में अभी यहाँ प्रकट होंगे। मैं उनका आवाहन करता हूँ, वे भक्त वत्सल हैं, प्रार्थना मात्र पर ही उपस्थित हो जाते हैं। हे प्रभु देव देवेश्वर भगवान नारायण, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। हे प्रभु हमें दर्शन दे प्रभु हमें। सोच रहे हो सत्यव्रत? हे भगवान, मैं तो केवल यही सोच रहा था कि जीव इस संसार के मोह जाल में न जाने कब से भटक रहा है। धन, स्त्री और पुत्र की मोह माया ने उसे इस संसार के बंधन में बांध रखा है। आपसे ही जन्म पाकर संसार का जीव आपको ही भूल जाता है प्रभु। हे भगवान, यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो ये संसार बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है। प्राणियों पर छाई माया की केंचुली स्वयं ही उतर जाती है प्रभु। सत्यव्रत, तुम ज्ञानी तो थे ही, किंतु सप्त ऋषियों के साथ ने तुम्हें परम ज्ञानी बना दिया है। आपकी कृपा से परम ज्ञान तो हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। आपके स्वरूप को तो स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए, किंतु आपकी कृपा पाकर महाराज सत्यव्रत ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप धन्य हैं महाप्रभु, धन्य हैं, आपकी जय हो। देव देवेश्वर जगत गुरु मत्स्य भगवान की जय। सुनो सत्यव्रत, जो प्राणी माया मोह मद लोभ अहंकार से अपने जीवन की रक्षा कर लेता है, वो मुझ परमात्मा को
स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हे दीनों के नाथ, आपके श्रीमुख से जीवन का परम ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे भगवान, हे कृपा निधान, कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। ओम नमो नारायण। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमो नारायण। 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 देव देवेश्वर भगवान नारायण, आपकी इच्छा से महाप्रलय के बाद सृष्टि का शून्य काल पूर्ण हुआ। आपकी कृपा संकेत पाकर ब्रह्मा की भस्म ज्योति जागृत हुई। शिव ज्योति भी आपका आवाहन करती है महाप्रभु श्री नारायण। नव सृष्टि के निर्माण का मुहूर्त निकट है। आप भी मूल रूप से प्रकट होने से पूर्व दिव्य ज्योति रूप धारण करें और मुझ ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दें। आपके जागने का मुझे भली भांति ज्ञान है, परंतु नव सृष्टि निर्माण से पूर्व संसार के ज्ञान विज्ञान के लिए पाताल लोक में बंदी चारों वेदों को मुक्त करवाना आवश्यक है। वो कार्य हमें इसी रूप में पूरा करना है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो दुष्ट है ग्रीव, पवित्र वेदों ने प्रलय काल में नष्ट होने से तुझे बचाया, अब तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं, कदापि नहीं। यदि मैं वेदों को मुक्त कर दूंगा तो स्वयं नष्ट हो जाऊंगा। मैं वेदों को कदापि मुक्त नहीं करूंगा। दुष्ट है ग्रीव, दैत्यों और दानवों की संयुक्त शक्ति के प्रतीक है ग्रीव। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि पवित्र वेदों को मुक्त करने के पश्चात भी तुम इसी रूप में जीवित रहोगे। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। प्रभु की बात पर विश्वास न करके क्यों समय से पूर्व अपनी मृत्यु को बुला रहा है मूर्ख? नारायण।
अपने कथन की मर्यादा के कारण हम तुम्हें जीवन दान प्रदान करते हैं हैग्रीव। देव देवेश्वर महाप्रभु भगवान नारायण 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 नारायण। आपका यशोगान करने वाला आपका साधारण सा भक्त नारद नारायण नारायण। परंतु मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव ने मुझ जैसे साधारण भक्त को आपके पद के समान खड़ा कर दिया। भगवान नारायण के समान पद पर अर्थात? आपकी भांति मैं भी चकित हूं देवराज। मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा है कि मैं भगवान नारायण का लीला उतारूं। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, मैं आपका लीला अवतार बनकर नहीं अभी तो आपके चरणों का दास बनकर ही रहना चाहता हूं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव ने जो कुछ भी कहा है वो परम सत्य है। हमारे हर अवतार का उद्देश्य ही है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। वर्तमान मन्वंतर में हमारे जो अवतार भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट होने वाले हैं उनमें से तुम एक प्रमुख लीला अवतार के रूप में प्रकट हुए हो। नारायण नारायण। लीलावतार रूप धारण करके मैं अपने भीतर उमड़ती आपकी भक्ति को क्या उत्तर दूंगा प्रभु? नारद, तुम्हारे भीतर हमारे अंश का जो प्रकाश ज्योतिमान हो रहा है वो तुम्हें हमारे लीलावतार के रूप में प्रसिद्ध करेगा। देवताओं के ऋषि बनकर तुम उनकी सहायता करोगे। इसके साथ ही हमारी परम भक्ति की जो भावना तुम्हारे भीतर उमड़ रही है वो तुम्हें भक्त शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। भक्त शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित तब करेगी जब अधर्म उसकी स्वीकृति देगा। धर्म के संस्थापक भगवान नारायण, आप अपने लीला अवतार को धर्म और भक्ति का उपदेश दे रहे हैं क्या? इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अधर्म की शक्ति धर्म से कहीं अधिक है? जहां भी अधर्म अपना साम्राज्य स्थापित करता है वहां से भयभीत होकर धर्म भाग जाता है। हे देव देवेश्वर, इस अधर्म को अवश्य दंडित करें। रे इंद्र, यह आपके सामने ही आपकी मर्यादा को लांग रहा है। संसार में हो अधर्म का बोलबाला, नारायण नारायण। हे महाप्रभु, ये अधर्म भी अब पाताल लोक जाकर दैत्य और दानवों को उत्तेजित करेगा, उन्हें अधर्म और अत्याचार के लिए प्रेरित करेगा। देवर्षि, अधर्म का यही निर्धारित धर्म है। इसी अधर्म के ही कारण धर्म और सत्य को सावधान रहना होगा। हमारी लीला अवतार होने के नाते तुम धर्म
और सत्य के प्रतिनिधि बनकर संसार का भ्रमण करो और धर्म की नारायणी शक्ति को वाणी प्रदान करो। नारायण नारायण, मैं मन वचन और कर्म से आपके निर्देश का पालन करूं। ओम नमो नारायण। धर्म का बोल बाला हो। पधारे पधारे अधर्मराज, पाताल की अधर्म नगरी में स्वागत है। मैं यहाँ अपना स्वागत करवाने नहीं, तुम्हें अपमानित करने आया हूँ। क्या मुझ अधर्म के परम भक्त है ग्रीव से धर्म का कोई कार्य संपन्न हो गया? अधर्मराज, आपके क्रोध का कारण क्या है? अपने धर्म कार्य का कारण सुनने से पूर्व उचित तो यही होगा कि तुम पाताल के जल में डूब मरो। आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा अधर्मराज। अधर्म की शक्ति संपन्न होने पर भी तुम वेदों को अधिक समय तक पाताल में बंदी बनाकर नहीं रख पाए। वेदों के स्वतंत्र होते ही उन्हीं के ज्ञान विज्ञान के आधार पर नव सृष्टि की रचना भी हो गई। दसों दिशाओं में विदेवों की भक्ति का वातावरण फैल रहा है और इसके दोषी तुम हो। हाय ग्रीव, तुम है और भूल के कारण मुझसे यह भयंकर अपराध हुआ है। अधर्मराज, दैत्य और दानवों की संयुक्त शक्ति होने पर भी है, वेदों को अधिकार में कर लेने पर भी भूल। तुम्हारी इसी भयानक भूल के कारण देवताओं को दैत्य शक्ति का कोई भय नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया नव सृष्टि में असुर और दैत्यों का कोई स्थान नहीं। ग्रीव, तुम दैत्य और दानवों के नाम पर कलंक हो, कलंक। मेरे बार बार उत्तेजित करने पर भी तुम्हारी दैत्य शक्ति सोई पड़ी रही। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा धर्मराज, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बतलाएं कि हमें क्या करना होगा। मूर्ख, दैत्य और दानों की संयुक्त शक्ति को संगठित करके ऊपर उठो और पाताल लोक से निकलकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लो, अर्थात देव और दानों के युद्ध का प्रारंभ। हाँ, देवताओं को सदा सदा के लिए समाप्त करके संसार में अधर्म का राज स्थापित करो। जागो दानवो, जागो दैत्य, उठो वीरो, उठो उठो, पाताल से प्रस्थान करो और सब पर प्रहार करो जो तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार न करे। अधर्म की दैत्य शक्ति और दैत्यराज ग्रीव की जय हो। अधर्म की आज्ञा का सम्मान करो दैत्य वीरों, अपनी अधार्मिक शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार करके संसार में दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज ग्रीव की जय हो। दैत्य शक्तियों के प्रतीक दैत्यराज ग्रीव की जय हो। दैत्य शक्तियों के प्रतीक दैत्यराज ग्रीव की जय हो। दैत्य शक्तियों के प्रतीक दैत्यराज ग्रीव अपने शत्रुओं के लिए काल है, विरोध करने वालों के लिए काल से भी विकराल है, और शरण में आने वालों के लिए सुख और ऐश्वर्य के पालनहार है। दैत्य शक्तियों के प्रतीक दैत्यराज ग्रीव की जय हो। दैत्य वीरों, सबसे पहले दैत्य शत्रु देवताओं के स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लो,
आयर देवता तुम्हारी शक्ति के सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिकेंगे। उन्हें परास्त करके स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य का भोग करो। स्वर्ग विजय के साथ ही निर्बल मनुष्य स्वयं ही तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। दैत्य शक्तियों के प्रतीक दैत्यराज हेग्रीव की जय हो। अभी तो नव सृष्टि का प्रारंभ हुआ है चक्र सुदर्शन। अभी संसार को इन दैत्य और दानवों की आवश्यकता नहीं है। इनके अभियान को रोक दो। जो आज्ञा जगत पालक। देवताओं को कायर और निर्बल बताने वाले दैत्यों की कायरता प्रकट हो गई। क्या इसी शक्ति के बल पर दैत्य स्वर्ग पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहे थे? इंद्र इंद्र इंद्र, हैग्रीव की दैत्य शक्ति का उपहास ना करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में शुभ ना होगा। परिणाम? किस परिणाम की दुहाई दे रहे हो तुम अधर्म? क्या इस बार तुम्हारा है ग्रीव हमारे प्रहारों से पतित होकर सदा सदा के लिए पाताल में समा जाएगा? इस दुस्साहस का प्रतिशोध हैग्रीव तुम देवताओं से अवश्य लेगा। त्रिदेवों की शक्ति पर अभिमान करने वाले तुम देवताओं का वैभव हैग्रीव धूल में मिला देगा। सारे संसार में अधर्म का बोल बाला हो। हेलो। आश्चर्य देवऋषि, आश्चर्य! आप तो भगवान नारायण के लीला अवतार हैं। आपके सामने यह धर्म हमें चेतावनी देकर चला गया और आप मौन रहे। क्षमा करें देवराज, हमें तो देवऋषि नारद के व्यवहार से अधिक भगवान नारायण के कार्य पर आश्चर्य है। भगवान नारायण के कार्य पर आश्चर्य? हाँ देवराज, इतना उचित अवसर पाकर भी भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन से दुष्ट हैग्रीव तथा उसके साथी दैत्य दानवों का वध क्यों नहीं कर दिया? सत्य वचन, सत्य वचन अग्निदेव, सत्य वचन! यदि देवऋषि के भगवान नारायण चाहते तो क्षण मात्र में दैत्य और दानवों सहित हैग्रीव का सर्वनाश कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया देवऋषि? दूसरों के दोष निकालना जितना सरल होता है उतना ही कठिन होता है स्वयं के दोष देखना। मेरे इस कथन पर विचार अवश्य कीजिएगा, उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा। नारायण नारायण।
अधर्म ने हमारे साथ भयंकर छल किया दैत्यराज। हमें आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करके अधर्म ने हमें पीड़ित करवाया है। हो सकता है दैत्यराज कि अधर्म ने दैत्य शत्रु देवताओं के साथ मिलकर हमारे साथ अपमान का खेल खेला हो। अधर्म के कारण आहत हमारा ये शरीर, हमारा ये विश्वास अब युगों तक पाताल से बाहर निकलने का साहस नहीं करेगा। दैत्य वीरों, मुझे तुम सबकी बातों पर पूर्ण विश्वास है। अब भविष्य में हम अधर्म का आदेश कदापि नहीं मानेंगे। हम कदापि नहीं मानेंगे। ओम नमो नारायण। हे जन जन पर दया करने वाले दया निधान, कृपया अपनी योग निद्रा को विराम दें। हे भक्त वत्सल, अपने भक्त नारद की शंका का समाधान करें। ओम नमो नारायण। आंखें खोलें परमपिता। जागे परमपिता, जागे। मेरी शंका का समाधान करें। भगवान नारायण अंशी नारद, यदि तुम गंभीरता से विचार करोगे तो तुम्हें अपनी शंका का समाधान अवश्य मिल जाएगा। नारायण नारायण। अवसर मिलने पर भगवान नारायण ने हयग्रीव और उसके साथी दैत्य दानवों का वध अपने चक्र सुदर्शन से क्यों नहीं किया, इसका उत्तर तुम स्वयं खोजो नारद। परमपिता, यह प्रश्न मैं स्वयं से बार बार पूछ चुका हूँ, परंतु मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा। मेरे आराध्य महाप्रभु नारायण भी इसका उत्तर नहीं देना चाहते। नारद, इस समय दैत्य दानवों के साथ हयग्रीव का वध करना अन्यायपूर्ण होता। अन्यायपूर्ण? नारायण नारायण, दैत्य और दानवों के वध में कैसा अन्याय परमपिता? तामसिक तत्वों से बने दैत्य और दानवों की तो मृत्यु ही भली लगती है। नहीं नारद नहीं, हम त्रिदेवों को किसी के भी प्रति अन्याय प्रिय नहीं। भगवान नारायण की इस सृष्टि में धर्म के साथ अधर्म, सुर के साथ असुर और देव के साथ दानव का स्थान भी महत्वपूर्ण है। नारायण नारायण, आपका ये गूढ़ ज्ञान मेरी तनिक भी समझ में नहीं आया। तनिक विचार करो नारद, पाताल से उठकर समुद्र से बाहर निकलते समय हयग्रीव और उसके साथी दैत्य दानवों ने क्या कोई अपराध किया था? हाँ, बाहर निकलकर कोई अपराध नहीं किया था परमपिता। न तो उन्होंने किसी को कोई कष्ट पहुंचाया और न ही कोई हत्या की, फिर भला उनका वध करना न्याय संगत कैसे होता नारद? नारायण नारायण, ऐसी स्थिति में भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से उनका मार्ग क्यों रोका? क्योंकि वे अधर्म के द्वारा उत्तेजित करने के कारण अनुचित समय पर पाताल लोक से बाहर निकले थे। इसी कारण देव देवेश्वर नारायण भगवान ने उनका मार्ग रोक दिया। परमपिता, तो क्या वेदों का हरण करने वाले और अधर्म द्वारा उत्तेजित हयग्रीव का कभी भी अंत नहीं होगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इस समय देना न्याय संगत नहीं होगा नारद। तो जो न्याय संगत हो वही कहे परमपिता। न्याय को साक्षी मानकर इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं कि भविष्य में दैत्य शक्ति को इस संसार की आदि अनंत और दिव्य शक्ति का वरदान प्राप्त होगा। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य शक्ति और अत्याचारी हो जाएगी? हाँ नारद, दिव्य शक्ति से वरदान प्राप्त करके भी हयग्रीव अन्याय और अत्याचार का अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेगा।
संसार पर अन्याय और अत्याचार ही उसके अंत का कारण बनेगा। इससे अधिक संकेत इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते। नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी के पश्चात स्वयं भगवान नारायण ने मुझसे कहा था कि मैं उनका लीला अवतार हूं। फिर मुझ में छुपी नारायणी शक्ति तेरी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रही? नारायण नारायण, मैं अपने जिज्ञासा के चक्रव्यूह में और अधिक उलझता चला जा रहा हूं। मेरी जिज्ञासा पर भगवान नारायण मौन है और परमपिता ब्रह्मा जी का संकेत पाकर तो मैं अपनी जिज्ञासा के भंवर में डूबा चला जा रहा हूं। कैसे मिलेगा मुझे समाधान? नारायण नारायण। नारायण शक्ति से संपन्न देवर्षि नारद, नारद आप बिना कारण ही प्रश्नों और शंकाओं से घिरते जा रहे हैं। हे मां शक्ति, आपके दर्शन पाकर ये नारद धन्य हो गया, किंतु क्षमा करें मां, इस समय आपका परम भक्त नारद स्वयं की ही जिज्ञासा में भटक रहा है। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है नारद, हमारे दर्शन हर भटकाव का अंत कर देते हैं। नारायण नारायण, तो मेरे भटकाव का अंत कैसे होगा माता? मेरी बात ध्यान से सुनो नारद। देव देवेश्वर भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन से निकली किरणों से आहत हयग्रीव तथा दैत्य दानवों ने भविष्य में अधर्म का आदेश न मानने का निश्चय किया है। सुंदर, अति सुंदर। दैत्य और दानवों के निश्चय के साथ ही अब आपके कर्तव्यों का भी निर्धारण हो गया है देवर्षि। नारायण नारायण, कहे माता कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अधर्म से विमुख और उत्तेजित दैत्य तथा दानवों को आप पाताल जाकर धर्म का संदेश सुनाएं। धर्म का संदेश? हाँ देवर्षि, धर्म का संदेश। इस संसार में दो ही गति होती हैं, एक धर्म दूसरी अधर्म। जिस शरीर में अधर्म व्याप्त हो जाता है धर्म उस शरीर का त्याग कर देता है। दैत्य तथा दानवों ने दैत्य राज हयग्रीव के साथ ही अधर्म का त्याग करके स्वयं ही धर्म को आमंत्रित किया है। क्षमा करें माँ आदिशक्ति, जब उन्होंने स्वयं ही धर्म को आमंत्रित कर लिया है तो मेरे कर्तव्यों का निर्धारण कैसे हो गया माँ? देवर्षि, आपके भीतर धर्म की परम पावन शक्ति सदा प्रकाशमान रहती है। आप इसी समय पाताल लोक जाकर हयग्रीव को धर्म का संदेश सुनाते हुए उसे नारायणी शक्ति की आराधना सहित तप के लिए प्रेरित करें। यदि पाताल से हम बाहर नहीं निकल पाए तो यही घुट घुट कर अपने प्राण त्याग देंगे दैत्यराज। हम इतने अधिक आहत है दैत्यराज कि हम इच्छा होने पर भी उठ नहीं सकते। इससे तो उचित यही होगा कि आप स्वयं हमारा
वध कर दे, हमें हमें इस पीड़ा से मुक्ति तो मिलेगी। दैत्यराज, हमें समाप्त कर दे, हमें इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान करे, हमारा वध कर दे, हमारा वध कर दे। तुम सबका कथन अनुचित नहीं है दैत्यों। अधर्म के उकसाने के कारण दैत्य जाति का भविष्य नष्ट हो गया है। पराजय और अपमान के इस लज्जाजनक वातावरण में जीवित रहने से उचित तो यही है कि हम एक दूसरे का वध कर डालें, जिससे दैत्य और दानव जाति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। नारायण नारायण, दैत्यों और दानवों की जाति कभी भी समाप्त नहीं होगी। है ग्रीव, करण देवताओं की भांति दानव भी इस सृष्टि का अभिन्न अंग। नारायण नारायण। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तो मैं नहीं बता सकता, किंतु इतना अवश्य बता सकता हूं कि मेरा कार्य हर उदास और निराश का मार्गदर्शन करना। हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हमारा मार्गदर्शक अधर्म देवताओं से षड्यंत्र करके हमें अपमानित और प्रताड़ित कर चुका है। अब हमें किसी पर विश्वास नहीं। सत्य कहो, तुम पृथ्वीवासी पाताल लोक में आने का दुस्साहस ऐसे किया? नारायण नारायण। है ग्रीव, तुम पातालवासी स्वर्ग और पृथ्वी को अपने अधिकार में करने का स्वप्न देख सकते हो, तो भला मैं पाताल लोक में तुम्हारी दुर्दशा देखने क्यों नहीं पहुंच सकता? हमारा उपहास न उड़ाओ चोटी वाले। हमारी दुर्दशा देखने की अभिलाषा तुम्हारी मृत्यु को और अधिक भयानक बना देगी। सच सच कहो, तुमने पाताल में प्रवेश क्यों और कैसे किया? आई ग्रीव, उत्तेजित ना हो, मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का मानस नारद। अपनी भगवत भक्ति के कारण मैं 14 भुवनों में अपनी इच्छा मात्र से ही प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे कहीं भी पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। नारायण नारायण। अब हम तुम्हें पहचान गए नारद मुनि, तुम्हारा स्वभाव भी हम जान गए। देवताओं के ऋषि होने पर भी तुम सत्य कहने में कभी संकोच नहीं करते। जीवन से भ्रमित हर व्यक्ति की सहायता करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। किंतु इतना तो बताओ नारद मुनि कि हमारे इस दुर्दशा का ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? नारायण नारायण। दैत्यराज हैग्री, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी दैत्य दानवों को भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन की किरणों से दंडित होते प्रत्यक्ष देखा। अर्थात तुम नारद की बात पर संदेह न करो हैग्री। तुम्हारी दुर्दशा से हमें इस बात का ज्ञान हुआ है कि दुष्ट अधर्म का साथ देने के कारण ही तुम सबकी ऐसी भयानक दुर्दशा हुई है, और इसीलिए मैं तुम्हें धर्म का संदेश सुना रहा हूं। अधर्म को तो हमने प्रत्यक्ष देखा है नारद मुनि, किंतु धर्म को कभी नहीं देखा। कौन है यह धर्म और वो हमारे लिए क्या कर सकता है? नारायण नारायण। अधर्म का स्वरूप भयानक है, किंतु धर्म सत्य शिव सुंदर। धर्म सभी का कल्याण करता है, हर दुखी को सुख का मार्ग दिखाता है, हर अचेत को चेतना का प्रकाश देता है। जो धर्म का कहा मानता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।